हेलो एवरीवन वेलकम टू आई एग्जाम बी माय नेम इज राजवर्धन और जैसा कि आप लोगों को पता है आपके सामने एल का नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा जिसकी एक्सपेक्टेड डेट्स भी आउट हो चुकी हैं जो कि है सेवनटींथ ऑफ फेब ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो उसी को तैयारी को आगे हम बढ़ाते हैं और जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उससे पहले भी हम लोग कुछ टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं तो आज एक हम नया टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत ही इजी और बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ये आपके लिए कम से कम चार से पांच नंबर ये आपको बहुत आसानी से दिला देगा एग्जाम में तो इसके क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और देखना किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बता देते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें से आपके बन सकते हैं इसमें तीन टाइप की सीरीज होती है। जिसमें एक होती है अल्फाबेट सीरीज अल्फाबेट सीरीज में भी दो टाइप्स होते हैं जिसमें एक होती है सिंपल आपको अल्फाबेट्स की सीरीज दे दी जाएगी जिसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स होंगे और उसमें किसी पैटर्न को लगाने के बाद हम क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ठीक है दूसरा जो पैटर्न इसमें रहता है उसमें क्या होता है आपको तीन या चार लेटर के आपको वर्ड्स दे दिए जाते हैं पांच से छह वर्ड का सेट होता है और उसमें हम कुछ आगे पीछे ऑपरेशन करके उनको आंसर करते हैं जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाएगी इंफॉर्मेशन ठीक है तो अल्फाबेट सीरीज है दो टाइप की होती है सिमिलरली होती है न्यूमेरिक सीरीज इसमें भी दो टाइप्स होते हैं इसमें भी आपको जैसे अल्फाबेट्स में अल्फाबेट की सीरीज हुई थी इसमें आपको नंबर्स की सीरीज दे दी जाएगी जिसमें आपके बहुत सारे नंबर्स होंगे एक सीरीज यहाँ पे दी जाएगी ऐसे ही दूसरा टाइप जो होता है जिसमें यहाँ पे तीन या चार वर्ड्स का आपको सेट दिया जा रहा था यहाँ पे आपको तीन चार या पांच नंबर्स का यहाँ पे सेट दे दिया जाएगा और उन पे भी हम ऐसी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे ठीक है तीसरी टाइप होती है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज और इसको मिक्स्ड सीरीज भी बोलते हैं इसमें जैसे कि हम नाम से ही बता सकते हैं अल्फा यानी कि अल्फाबेट्स भी है सीरीज में न्यूमेरिक यानी कि नंबर भी है उस सीरीज में और एक है यहाँ पे सिम्बल यानी कि सिम्बल भी इसमें अब ऐड कर दिए गए हैं यानी कि जो पीछे हमने दो अल्फाबेट और नंबर पढ़े हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस यहाँ पे सिम्बल्स भी एड कर दिए जाएंगे ठीक है तो ये होते हैं यहाँ पे तीन टाइप के क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें हम दो वीडियोस में इसको कवर करेंगे पहले मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेट सीरीज नंबर सीरीज और सीरीज उसके बाद ये जो हम वर्ड्स और नंबर्स का जो सेट्स पर करते हैं इन इनपे भी क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप के बन सकते हैं ठीक है बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है तो इसको हल्के में मत लीजिएगा चार से पांच नंबर आप यहाँ से आराम से गेन कर सकते हैं चलिए पहले इसमें आपको मैं कुछ बता देता हूँ टर्मिनोलॉजीज जो इसमें यूज होती है वो आपको बहुत ध्यान से देखनी है इसमें जो आपको दो तीन वर्ड्स आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे एक वर्ड होगा ठीक है मतलब लेफ्ट या फिर हम कह सकते हैं जस्ट पहले अगर इमीडिएटली प्रिसीडिंग लिखा है तो जस्ट पहले नॉर्मल प्रिसीडिंग लिखा है तो पहले ठीक है ये आपको ध्यान रखना है याद रखने की ट्रिक आप देख सकते हैं पी से प्रिस होता है पी से पहले तो आपको इस तरह से याद रखना है ठीक है दूसरा होता है क्या दूसरा वर्ड होता है सक्सीडिंग ठीक है सक्सीडिंग में सक्सीडिंग मतलब अगर इमीडिएटली सक्सीडिंग लिखा है तो जस्ट वाला नंबर या फिर अल्फाबेट और अगर सक्सीडिंग लिखा है तो उसके बाद वाला अल्फाबेट जो भी वहां पे नंबर वो प्रोवाइड करेगा तो सक्सीडिंग को हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी राइट प्रिस के लिए पहले या फिर टुवर्ड्स दी लेफ्ट ठीक है तो इन चीजों का इनवर्स का आपको बड़े ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपको पे बेस पूछेंगे और आपको पैटर्न यही पहचानना है किस तरह से वो आपसे पूछना चाह रहा है ठीक है और जैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं जैसे यही हमारे जो टॉपिक का नाम है न्यूमेरिक सीरीज न्यूमेरिक ये हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि एक लेटर है जैसे एन है ये तो एन से इमीडिएटली प्रिसीडिंग लेटर कौन सा होगा वो हमको अगर पूछा जाए आपसे तो वो क्या होगा इमीडिएटली प्रिसीडिंग एन के इमीडिएटली प्रिडिंग होगा ए ठीक है ऐसे ही अगर बोल दिया जाए एम के के एन इमीडिएटली जाएडिएटलीडिंग लेटर कौन सा है सक्सीडिंग हो जाएगा यू ठीक है succeeding हो सकता है वर्ड फॉलोअर्ड हो सकता है वर्ड ठीक है प्रीसीडिंग की जगह प्रीवियसली यूज हो सकता है वर्ड तो इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो मैंने बता दिया किस किस तरह से आपको देखना है और एक चीज आपको क्या देखने को मिलेगी जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक सीरीज दी हुई है अल्फाबेट्स की या नंबर्स की जिसमें बहुत सारे यहां पे दिए हुए हैं एल्फाबेट दिए हुए हैं या फिर नंबर दिए हुए हैं सपोज इसी का हम एग्जाम्पल लेते ले हैं दोबारा ये हमारे पास वर्ड है अल्फा न्यूमेरिक ठीक ठीक है थीक है ये हमारे पास नंबर ऑफ लेटर अब हम इसको वर्ड ना लेके हम नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे लेटर्स देख रहे हैं कि हमको अलग अलग लेटर्स दिए हुए ठीक है अब अगर आप मैं यहां से बोल दू कि जैसे कि विच अल्फाबेट इज यहां पे लिखते हैं हम विच एल्फाबेट इज थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ द एल्फाबेट विच इज विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड ठीक है यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट या फिर क्वेश्चन कह सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पूछा हमारे पास एक सीरीज दी हुई है लेटर्स की इसमें ये हमसे पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो कि थर्ड टू लेफ्ट है किस एलिमेंट के जो कि हमारा राइट right एंड से फोर्थ है ठीक है तो अब यहाँ से अगर हम इसको बेसिकली काउंट करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट एंड हमारा ये है ये राइट right हैंड है ये हमारा लेफ्ट एंड है ठीक है राइट right एंड से हम अगर हम काउंट करते हैं तो वन टू थ्री फोर फोर्थ एलिमेंट है हमारा ई e. ठीक है इससे हमको थर्ड एलिमेंट देखना है थर्ड एलिमेंट देखना है इसके लेफ्ट में तो वन टू थ्री यानी कि इस एलिमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है ये हमको पूछ रहा है तो हमने देखा ये किस तरह से हमने काउंट किया इसमें हमको दो बार काउंटिंग करनी पड़ी पहले हमने देखा फोर्थ एलिमेंट कौन सा हमारा राइट right? ठीक है राइट right से फोर्थ एलिमेंट हमने देखा उसके बाद हमने देखा वो जो एलिमेंट हमारा आया है जो कि फोर्थ है उसके थर्ड लेफ्ट में हमको काउंट करना पड़ा ठीक है अब यहाँ पे तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पे मिल गया जब यहाँ पे बड़ी बड़ी सीरीज होती है तब वहां पे अगर आपको दो दो तीन तीन बार काउंट करना पड़े तो आपका टाइम वेस्ट होता है चाहे उसमें दो सेकंड जाए या चार सेकंड जाए टाइम वेस्ट होता है तो इस चीज को बचाने के लिए हम क्या देख सकते हैं जब भी आपको पूछा जाए जैसे यहाँ पे लिखा है लेफ्ट ठीक है और सेकंड बाद में आपको लिखा है राइट यानी कि दो अगर आपके दो अलग अलग चीज यहाँ पे लिखी जा रही लेफ्ट और राइट लिखा है या फिर यहाँ पे राइट होता यहाँ पे लेफ्ट होता तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे ये हमको जो मल्टीपल टाइम काउंटिंग करनी पड़ रही है इसको बचने के लिए हम क्या करेंगे जैसे हमको ये नंबर देखा है ना कौन सा एलिमेंट हमसे पूछा है? यहाँ पे थर्ड लिखा था और यहाँ पे फोर्थ लिखा था तो हम डायरेक्ट इन्हीं नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिलता है सेवंथ और कहा से देखना था हमको ये राइट right हैंड से देखना था तो हम अगर सेवंथ एलिमेंट राइट हैंड से देख लें तो यहां से देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो भी हमारा आंसर सेम आ रहा है यानी कि हम इसको बस एक बार काउंट करके क्योंकि यहां तो छोटी सी सीरीज थी जब बड़ी सीरीज होगी तो वहां पे हम सिंगल काउंटिंग से हम अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं ठीक है और जैसे यहाँ पे तो अगर राइट लिखा था और यहाँ पे लेफ्ट अगर लिख दिया जाए तब क्या होगा तब हम देखेंगे लेफ्ट एंड से फोर्थ एलिमेंट हम यहां से काउंट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे उसके थर्ड राइट एलिमेंट तो यानी कि इसमें भी अगर हम सिंपल देखा जाए तीन और चार को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा सेवन आएगा तो अब आप लेफ्ट हैंड से अब हम लेफ्ट हैंड से अब हम सेवंथ एलिमेंट देख लेंगे वन, टू, फोर, फार, फार, सेवन, लेफ्ट एंड से सेवंथ एलिमेंट हमारा आ जाएगा यू इस केस में आंसर हमारा हो जाएगा यू ठीक है ये चीज हमको एडिशन कब करना है जब हमारे पास ये अलग अलग चीज यहाँ पे दी हुई है यहाँ पे अगर लेफ्ट है तो यहाँ राइट होना चाहिए या फिर इसका वाइस वर्सा ठीक है लेकिन ये चीज बदल जाती है कब जब हमारे पास ये अगर दो वर्ड्स हैं ये सेम हो जाएं यानी कि यहाँ पे भी अगर हमसे लेफ्ट पूछा जाता यहाँ पे भी अगर राइट 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 लिखा होता तब तो देखो पे पे भी भी है है और यहाँ पे भी राइट है। इस केस में हम क्या करेंगे इस केस में हम कर देंगे इनको सब्ट्रैक्ट यानी कि फोर में से थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वन मिलेगा यानी कि राइट हैंड से अब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा ठीक है अगर इस चीज को अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो हम देखते हैं आंसर कौन सा मिलता है हमको हमसे क्या पूछा है विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड यानी कि फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड वन टू थ्री फोर फोर्थ एलिमेंट क्या है हमारा ई है अब इसके थर्ड राइट right में जाना है थर्ड राइट यानी कि वन टू और थ्री थर्ड राइट हमारे यही आएगा आंसर जो कि हमारा पहला एलिमेंट रहेगा और ऐसे भी अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हमारे पास डायरेक्ट वही आंसर हमको मिलने वाला है जो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या अप्रोच हम लोगों को रखनी है यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जो कि है अल्फाबेज सीरीज के ऊपर इसमें आपको इतने सारे अल्फाबेट दिए हुए हैं ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे हाउ मेनी कॉन्सोनेट्स आर देयर इन द अब अरेजमेंट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉबल एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अन्सोनेट आई थिंक आप लोगों को कॉन्सोनेट और वॉबल्स में डिफरेंस पता होगा ठीक है तो अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था प्रिसीडेड यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पे की जगह यहाँ पे फॉलोअर्ड वर्ड यूज हुआ है ठीक है तो यानी कि हमको अब क्या पहचानना है इस सीरीज में क्या पूछ रहा है हाउ मेनी कॉन्सोनेट आर देयर यानी कि हमको ऐसे कॉन्सोनेंट ढूंढने हैं जिससे विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ बायल यानी कि कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद तो क्या आना चाहिए ववल आना चाहिए ठीक है एंड प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट और इसी कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए तो यानी कि हमको कौन से सीरीज देखनी है कि दो कॉन्सोनेंट लगातार हो और एक वॉवल हो यानी कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवल ये हमको यहाँ पे पहचानना है ऐसे कितने हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं दो कॉन्सोनेंट और एक वॉवल ढूंढना है हमको जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये कॉन्सोनेंट है दो के बाद वॉवल नहीं है दो के बाद यहाँ पे भी वॉवल नहीं है दो के बाद इधर भी वॉवल नहीं है अब यहाँ पे अगर हम देखें एक हमको क्या दिख रहा है कॉम्बिनेशन ये K वो के कॉन्सोनेंट है जे है ए हमारे पास यहाँ पे वॉवल मिल गया ठीक है तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया हमारा आगे चेक करें तो वाई एन एम ये नहीं बन रहा जेड वाई आई तो ठीक है एक हो गया हमारा यहाँ पे क्या जेड बी और आई ये कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट और आई हमारा यहाँ पे हो गया वॉवल तो दो कॉम्बिनेशन अब तक हमको मिल चुके हैं तीसरा कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो ये भी हमको मिल रहा है आर पी ओ का कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवल का तीन कॉम्बिनेशन हो चुके आगे अगर चेक करें तो आगे हमको मिल जाएगा ये डब्ल्यू एस यू का कॉम्बिनेशन ठीक है फोर्थ हमारा हो गया आगे चेक करें क्यू सीई क्यू सीई हमारा एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो यानी कि पांच कॉम्बिनेशन हो गए हैं आगे अगर हम देखें तो अब हमारा एक बन रहा है क्या जे जी और ई e, यानी कि हमको अब यहाँ पे छह कॉम्बिनेशन ऐसे मिल चुके हैं जिसमें कि हमको क्या मिल रहा है कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और वबल कंजीविवली हमको देखने को मिल रहे हैं यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं शुरू में आपको टाइम टेकिंग लगेगा लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे बन जाएगी तो ये आपको बहुत इजी लगेगा और सारे क्वेश्चन आप इसके आराम से करके आ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे ये विच ऑफ द फॉलोइंग एल्फाबेट इज नाइन्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अब देखो मैंने क्या ट्रिक बताई थी यहाँ पे देखो राइट right लिखा है यहाँ पे लेफ्ट लिखा है तो अब अगर हम डायरेक्ट इन नंबर्स को एड कर दें तो नाइन प्लस फोर क्या होता है थर्टीन होता है तो यानी कि अगर हम ये लास्ट में हमसे तो कहां से लेफ्ट से हमसे पूछ रहा है तो लेफ्ट से अगर हम सीधा जो कि है Z तो Z हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर डी अगर हम इसको इस ट्रिक को ना यूज करते हुए अगर इसको डायरेक्ट आंसर निकालना चाहे तो भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या पूछा था हमसे है कौन सा? Right है अब इससे हमको बताना तो ninth right कौन सा हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो यानी कि अब हमने चेक करके देखा तो दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है ठीक है तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब देखो, यहाँ पे कौन से वर्ड है यहाँ पे, राइट लिखा यहाँ पे भी राइट लिखा हुआ है तो यहाँ पे दोनों वर्ड सेम मिलते हैं तो उस केस में हमको क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है 19 में से छह जाएंगे तो हमको मिलेगा 13 तो थर्टींथ एलिमेंट है देख लो कहा से राइट right एंड से थर्टींथ एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन जो कि है ओ तो ओ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस टाइप के आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है तो अब देखो ये आगे आगे सीरीज ये है न्यूमेरिक सीरीज जिसमें आपको सारे के सारे नंबर्स ही दिए गए ठीक है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो देखिए देख लेते हैं इन द अब अरेन्जमेंट हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर टली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देखना है जिसके तुरंत बाद फॉलोड लिखा है यानी कि हम इसमें क्या देखेंगे इवन प्राइम ऑर्ड ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम चेक करेंगे ठीक है आई होप आप लोगों को प्राइम नंबर पता है प्राइम नंबर दो जो वो नंबर जो खुद से और एक वन से डिविजिबल होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे टू से यानी कि टू थ्री फाइव सेवन इस तरह से आपको हमको यहाँ पे नंबर देखने हैं ठीक है चलिए करते हैं क्वेश्चन इन द अब अरेंजमेंट हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर तो देखो प्राइम नंबर देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको सबसे आसानी होगी प्राइम नंबर ढूंढने में तो प्राइम नंबर है हमारे यहाँ पे टू टू से पहले हमारा इवन तो है लेकिन इसके तुरंत बाद ऑड नहीं है तो ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा अगला प्राइम नंबर है यहाँ पे फाइव इसके आगे पीछे भी दोनों इवन नंबर है नेक्स्ट प्राइम नंबर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा सेवन पर इसके आगे ऑर्ड है अगला प्राइम नंबर है इस थ्री इसके आगे इवन चाहिए ये भी नहीं बैठ रहा हमारा आगे देखें तो टू के आगे भी ऑड है इधर देखो पहला हमको कॉम्बिनेशन क्या मिल गया फोर टू एंड थ्री तो फोर टू थ्री हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा एक कॉम्बिनेशन ये हो गया हमारा आगे चेक करें तो आगे हो जाएगा सिक्स नाइन और सिक्स सेवन और नाइन नंबर प्राइम नंबर और एक ऑड नंबर ठीक है ये हो जाएगा आगे देखें आगे हमारे पास कौन सा हमको ऐसा मिल रहा है आगे हमको मिल रहा है कॉम्बिनेशन तो, तीसरा ये उसके आगे फोर्थ कॉम्बिनेशन इज दिस और उसके आगे हमको एक कॉम्बिनेशन देखने का मिलेगा जीरा एट थ्री और फाइव का ठीक है तो ये कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे हैं जिसमें कि हमको प्राइम नंबर से जस्ट पहले इवन नंबर है और उसके जस्ट बाद ऑड नंबर है यानी कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखना है आपको हाउ मेनी फाइव आर देयर इन दबर अरेन्जमेंट ईच ऑफ विच इज प्रोसीडेड बाय एन ऑड नंबर ऐसे कितने फाइव हैं जिससे तुरंत पहले ऑड नंबर होना चाहिए तो सबसे पहले फाइव देखो कहां है पहला फाइव इससे पहले ईवन है नेक्स्ट फाइव इससे पहले भी ईवन है अगला फाइव हमारे पास ये रहा इससे पहले भी ईवन है इस फाइव से पहले भी ईवन है और एक लास्ट में जो फाइव है इससे जस्ट पहले हमारे पास ऑड नंबर है तो यानी कि केवल इस पूरी सीरीज में एक अकेला ऐसा फाइव है जिससे तुरंत पहले ऑड नंबर हमको देखने को मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट सीरीज हमारे सामने जाती है ये आ गई मिक्सड सीरीज जिसमें कि हमारे पास अल्फाबेट्स और नंबर्स के साथ सिंबल्स भी ऐड कर दिए गए हैं ठीक है ऑफ द फॉलोइंग इज द द फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ द सेवनटीन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ठीक है तो अब देखो यहाँ पे दोनों जगह हमको लेफ्ट दिख रहा है ना तो यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट नंबर्स को एड वो कर देंगे आइडिया सब्ट्रैक्शन जो भी है सेम सिमिलर वर्ड्स हैं तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे सेवनटीन में से अगर फाइव गया तो क्या बचा सेवनटीन में से फाइव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा ट्वेल्थ हमको कौन से ट्वेल्थ से एलिमेंट देखना है लेफ्ट एंड से ट्वेल्थ एलिमेंट हमारा हो जाएगा क्या तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वो की हो गया हमारा एफ जो कि है ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिल्ली इन द मिडल बिटवीन एफ एंड ए इन द अब अरेन्जमेंट सबसे पहले तो देख लो एफ और ए कहाँ पे है एफ हमारा ये रहा ए इससे पहले नहीं है ए है ए है ए है हमारा ये इसके एग्जैक्टली exactly मिडल में कौन सा एलिमेंट है ये हमको देखना है तो सबसे पहले इनके बीच में काउंट कर लेते हैं तो एलिमेंट इनके बीच में है यानी कि छह एलिमेंट इधर छोड़ दें छह एलिमेंट इधर छोड़ दें उसके बाद जो बीच का जो एलिमेंट बचेगा वो ही इनके एग्जैक्टली exactly मिडल होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह एलिमेंट छोड़ने के बाद सातवां जो एलिमेंट आ रहा है एट ये ही इनके एग्जैक्टली exactly मिडल में होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये आपको एक नई सीरीज है इसका इसको आप पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कीजिएगा आपको रिप्लाई किया जाएगा ठीक है तो एक ये क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं एक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज पे बेस्ड ये ठीक है तो चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अगर हमारे साथ जुड़ के इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स में एनरोल करा सकते हैं फुल डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल करके कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं ठीक है तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय